कौन मिटा रहा है दरिंदगी के सबूत, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस जगह पर यह घटना हुई या उस आरजी कर मेडिकल अस्पताल की अगर हम बात करें तो देखिए जो वहां पर चेस्ट डिपार्टमेंट है या वो जो सेमिनार हॉल है वहां पर किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। कहा जा रहा है कंस्ट्रक्शन वहां पर की जा रही है, कुछ शायद दिक्कत थी उसको लेकर ठीक करने की बात यहां पर हो रही है। ये वही जगह है जहां पर उस दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। आखिर कौन मिटाने की कोशिश कर रहा है? और वहां देखिए ये दो पुलिस वाले जो हैं वो आपको यहां पर नजर आ जाएंगे, इन्हीं के सामने मतलब वहां पर वो सबूत हैं। क्या पुलिस को ये जानकारी नहीं है या पुलिस को जानकारी तो है तभी तो वहां पर बैठे हुए हैं, वो वहां की तीमारदारी कर रहे हैं कि जितने भी सबूत हैं वो नष्ट कर दिए जाए। आखिर किससे पूछ के ये जो तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है या कंस्ट्रक्शन जिसको नाम दिया जा रहा है कि वहां कुछ ठीक किया जा रहा है, कुछ बदलाव किया जा रहा है, आखिर किससे पूछ कर? जैसे ही हमारी टीम वहां पर पहुंचती है तो देखिए ये दो पुलिस वाले जो है वो किस तरह से चौंक कर वहां पर खड़े हो जाते हैं। रिपब्लिक भारत को उसके बाद अंदर जाने से रोका जाता है, हमारी टीम को हमारे सहयोगी जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते हैं। वहां बैठ के दोनों आराम से बातचीत कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे वहां पर दोनों के दोनों पुलिस वाले बैठकर, और वहां तोड़ा ताड़ी चल रही है, वहां पर तोड़ फोड़ वहां पर चल रही है। जबकि अभी सीबीआई की टीम भी आज वहां पर पहुंची थी, एफएसएल की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंची थी। मतलब ये कि वो सैंपल्स जो हैं जो तमाम उनको एविडेंस चाहिए वो अभी वो जुटा ही रहे हैं, क्योंकि नए सिरे से अब ये पूरा मामला जो है वो आज कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है। आज सुबह पुलिस को ये कहा गया कि जो तमाम दस्तावेज हैं, तमाम सबूत हैं या जो भी जानकारी आपके द्वारा इकट्ठा की गई है वो आप सीबीआई को दे दें। तो फिर कौन है जो नहीं चाह रहा है कि इसकी सच्चाई सामने आए? जब हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचते हैं वो क्या देखते हैं, वो क्या पाते हैं, ये भी सुनिए। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি চেস্ট মেডিসিন বিভাগের যে সেমিনার রুম, সেই সেমিনার রুমের সামনে। এখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে এবং যে প্লেস অফ অকারেন্স পিও তার সামনে এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। এবং যখন আমরা রিপাবলিক বাংলা এসে পৌঁছই সেই সময় পুলিশ কর্মীরা তারা এখানে প্রশ্ন তোলেন যে আমরা কেন এখানে, এবং বারবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে একাধিক জায়গায় কিন্তু মেন্টালিটি কাজ সেই কাজ চলছে। অর্থাৎ এই যে জায়গা সেমিনার রুমের বাইরে এই যে রুম সেই রুমে যেমন কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়েছে বা এখানে ভাঙা হয়েছে সেই জায়গায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ প্রশ্ন উঠছে, তথ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে কিনা, এবং কলকাতা পুলিশের নজরদারি যেখানে এখানে রয়েছে সেখানে কিভাবে কারা এই কাজ চালালেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই বা কি ভূমিকা পালন করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারংবার। हमारे सहयोगी भास्कर जिनकी रिपोर्ट आप यहां पर देख रहे थे और वो हिंदी तर्जुमा भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सेमिनार हॉल जिसमें ये कांड होता है और चेस्ट डिपार्टमेंट जिसकी आप तस्वीरें देख रहे थे जिसमें सबूत हैं और उन सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। सेमिनार हॉल और चेस्ट डिपार्टमेंट अगल बगल में ही है, आजू बाजू में ही है, आखिर क्राइम सीन के पास क्यों हो रहा था ये निर्माण कार्य? अगर हो भी रहा है, कुछ बदलाव भी करना है, कुछ बदलना भी है, तो वो उसी वक्त क्यों हो रहा है? और वहां पर मौजूद जो वो पुलिस वाले थे उन्होंने क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन को रोका, बल्कि वो आपस में बातचीत करने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। क्या मेडिकल कॉलेज सबूत मिटाने में जुटा हुआ है? इसको इस तरह से देखा जाए क्योंकि ये जो कॉलेज है ये इससे पहले भी विवादों में रहा है। क्या चेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है उस रात का कोई राज? यही कारण है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर या कुछ बदलाव हो रहा है उसके नाम पर वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। क्या आरोपी संजय रॉय का कोई और साथी भी है और हो सकता है कि वो अस्पताल के अंदर ही हो और उसी की मदद से ये तमाम चीजें हो रही है, जिसे बचाने में जुटा हुआ है खुद मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी, और वो वहीं उन्हीं के साथ उन्हीं की छत के नीचे उस वक्त मौजूद है। सीबीआई जांच से पहले सबूत मिटाने की क्या कोशिश हो रही है? आज ही तो कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा ये कहा गया है, आज ही तो उनके द्वारा ये सीबीआई की जो टीम है उसको हैंडओवर किया गया है ये मामला, क्योंकि उससे पहले ये कह दिया गया था कि पुलिस अगर नाकाम रहती है, वो नहीं उन तमाम बातों को कर पाती है, उस जांच को उस तरह से कर पाती है, खुलासा जो भी उसके द्वारा किया गया, तो ये सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जैसा कि देश भर से मांग उठ रही थी। और ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं सीबीआई की वो टीम जो एफएसएल की टीम के साथ वहां पर पहुंचती है गुनाह के वो सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इससे पहले ही हमने आपको तस्वीर दिखाई कि उससे पहले तो सबूतों को मिटाया जा रहा है वहां पर।
ये आरजी कर अस्पताल की तस्वीरें कोलकाता की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबूत जुटाने के लिए ही तो ये टीम वहां पर पहुंची थी। लेकिन उससे पहले ही हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जहां पर सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है। आखिर किससे पूछकर, आखिर क्या डर था, क्या छिपाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है, ये देखने वाली यहां पर बात है। इसी पर हम और विस्तार से जानकारी भी लेंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका इस वक्त वहीं मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, एक बार हम उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, ये तस्वीरें जहां पर सीबीआई पहुंचती है, एफएसएल की जो टीम है वो वहां पर पहुंचती है उन तमाम सबूतों को जुटाने के लिए, जिस बेसिस पर, जिस आधार पर अब आगे जो जांच है वो बढ़ेगी। जो पुलिस की जांच में सामने नहीं आ पाया वो सीबीआई की जांच में आएगा। सीधे रुक करती हूं प्रियंका, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं प्रियंका। तमाम वो सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं, लेकिन उससे पहले ही आप ही ने वो तस्वीरें भी दिखाई, भास्कर भी वहां गए थे, उन्होंने दिखाया कि वो तो मिटाए जा रहे हैं, क्या छिपाया जा रहा है, और सैंपल्स कलेक्ट हो गए। बिल्कुल, देखिए हिमानी, हम आपको बता दें 2 घंटे हो चुके हैं, सीबीआई की टीम अंदर है, इसी दरवाजे से अंदर गई थी, लेकिन आप देखिए पत्रकारों की आजादी पर कैसे प्रहार किया जा रहा है। यहाँ से मजदूर तो अंदर चले गए थे जिन्होंने ऊपर तोड़फोड़ की, कंस्ट्रक्शन का काम किया, लेकिन यहाँ पर आगे हमको नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सख्ती से ही पहरा है और इसी के भीतर अंदर जाकर सीबीआई की टीम जो है 3rd फ्लोर पर मौजूद है, वहीं से पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबूतों को जुटाने का प्रयास हो रहा है जो उस रात गुरुवार और शुक्रवार की रात में हुआ। आपको बता दें माना जा रहा है आरोप लग रहे हैं कि कई सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब सीबीआई की टीम जब यहां पर पहुंची, हाईकोर्ट ने पूरा ही केस जो है अब सीबीआई को दे दिया है। माना जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, एक एक सबूत इकट्ठा किया जाएगा। यहीं से देखिए अंदर गई थी सीबीआई की टीम और 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल है ये, यह देखिए यहां से ही अंदर नहीं जाने देते हैं। सवाल यह कि फिर मजदूर कैसे अंदर चले गए, कि यहां पर तो फिर किसी को भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, बहुत बड़ा मामला है, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है। सेमिनार हॉल के बराबर में चेस्ट डिपार्टमेंट है और वहां पर लगातार पूरी कंस्ट्रक्शन कल पूरा दिन चली है। जब हमने आज सुबह प्रिंसिपल से बात करी कि कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमने बाद में कोलकाता पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी रोक दीजिए, तो फिर हमने रोक दिया। अरे इतनी इतने इतने एकदम ढीले रवैये में कैसे कोई प्रिंसिपल जवाब दे सकता है, इतना बड़ा मामला है। एक महिला प्रिंसिपल ने भी इतनी एकदम लापरवाही दिखाई है। आपको बता दें यहां पर 6 एंगल है, अगर 4 से 5 हम एंगल देखें, 6 एंगल देखें जिसपे सीबीआई जांच करेगी। सबसे पहला ये कि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रही है इसमें एक आरोपी है या कई और आरोपियों के होने की आशंका है। इसके अलावा आपको बता दें जो संजय रॉय है, क्या उसको किसी तरीके का कोई लालच दिया गया है, संजय रॉय से आज सुबह सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर चुकी है। आपको ये तमाम जी और साथ ही आपको तमाम वो बातें हैं जिनका जिक्र यहां पर हमारी सहयोगी प्रियंका कर रही हैं, जो लगातार सुबह से बल्कि पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि इन एंगल्स पर या इन डॉट्स को कहीं पुलिस ने मिलाने की कोशिश की होगी, या अब आगे सीबीआई को चूंकि अब ये केस हैंड ओवर कर दिया गया है वो यहां इसे मिलाने की कोशिश करेगा। और जाहिर तौर पर ये वो तमाम सवाल उसके भी जहन में होंगे कि क्यों, आखिर क्या, कैसे, वो तमाम दस्तावेज भी जो पुलिस को कहा गया था आज सुबह ही, जब ये कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा ये फैसला किया गया कि हैंड ओवर कर दिया जाए सीबीआई को, तभी पुलिस को ये कहा गया था, ये ऑर्डर दिया गया था। अब ये देखिए, ये हम वो आपको जगह दिखा रहे हैं वो जहां पर सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव इसी गद्दे पर यहां पर पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये एक डायरी आपको यहां पर नजर आ रही होगी, ये बॉटल भी वहां पर ठीक उसके सामने आपको गिरी हुई नजर आ रही होगी। ये उस कमरे के किस तरह के हालात, क्या हालात उस वक्त थे, ये सेमिनार हॉल, ये उस दरिंदगी के बाद की तस्वीरें हैं जहां दरअसल वो संजय रॉय पीछे पीछे उस महिला के चला गया था, महिला डॉक्टर के। उस महिला डॉक्टर की जो शिफ्ट है वो रात 2 बजे ओवर हो गई थी, उसके बाद वो इसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी कि सुबह जैसे ही होगी वो अपने घर निकल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस तरह की दरिंदगी उसके साथ होने वाली है। आज की रात उसके लिए आखिरी साबित होने वाली है। ये वो सबूत, ये वो सेमिनार हॉल है जो चीख चीख के यहां पर बता रहा है दरिंदगी की जो वो दास्तां है। हमारे